पूरा एपिसोड देखने के लिए सोनी लिव ऐप डाउनलोड करें। डैडी जी, हमने अपनी जीवन की सारी पूंजी एक फ्लैट पे लगा दी। हमें तो भरोसा भी नहीं था कि हमारे पैसे मिलेंगे या नहीं। फिर एक दिन आप आए और हमें हमारा घर मिल गया। हमारे सर से सारे कर्जे भी हट गए। शुक्रिया डैडी जी। ना 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 ना, आप लोग समझ नहीं रहे हैं भाई। हमारी वजह से आप लोगों को बहुत तकलीफ उठानी पड़ी है, हम उसके लिए क्षमा चाहते हैं आपसे। अरे ये क्या बात हुई, अब आप जबरदस्ती अपने आप को दोषी मानने पर तुले हुए हैं। घर पर हमला हुआ था, घर को आग लगाने वाले थे वो लोग, किसने बचाया था इस परिवार को? डैडी जी ने। देखा, अब हम लोग अक्सर ऊपर भगवान की तरफ देखते हैं और उनसे कहते हैं कि हमने आपसे मांगा कुछ और था पर आपने हमें दिया कुछ और। लेकिन अगर एक बार, मतलब सिर्फ एक बार, अगर हम श्रद्धा पूर्वक सर झुका के भगवान की बात माने, तब कहीं जाके हमें ये बात धीरे धीरे समझ आती है कि वो जो करता है ना, हमेशा हमारे भले के लिए करता है। उसमें कुछ ना कुछ अच्छा जरूर होता है हमारे लिए। अब आप हमें देख लीजिए, शुरुआत में हमें भी यही लगा था जब श्वेता हमें फंसा कर, मतलब पहली रात को जब वो हमें जेल में फंसा के भागी थी, तब हम भी यही सोच रहे थे कि मतलब भगवान ने हमारे साथ ऐसा क्यों किया। हम जेल में थे, रो रहे थे, परेशान थे, लेकिन बाद में जाके बात हमें समझ आई, अगर उस वक्त हम जेल में नहीं होते तो हम डैडी जी से नहीं मिलते, आपसे नहीं मिलते तो हमारी शादी नहीं होती, और अगर हमारी शादी नहीं होती तो हमें गार्गी नहीं मिलती, और गार्गी से अच्छा तो कुछ है ही नहीं ना हमारी लाइफ में, ये तो पूरा परिवार ही जानता है। तो जिसे आप गुंडागर्दी मानते हैं ना, उसे हम हमारी जिंदगी का तोहफा मानते हैं। और चलिए मान लिया मुसीबत हमारे परिवार पे आई, पर ये परिवार आपका भी तो है डैडी जी। और आपने क्या सोचा, जब आप मुसीबत में होंगे तो ये फैमिली आपके साथ खड़ी नहीं होगी? माता जी, तो ये लोग कुछ गलत थोड़ी कह रहे हैं बेटा, सच ही तो कह रहे हैं और दिल से बोल रहे हैं, और ये लोग बहुत खुश हैं। इनके चेहरे पर कोई डर दिखाई दे रहा है? नहीं ना, ये सब तुम्हारे साथ रहना चाहते हैं बेटा। हाँ, अगर तुम अपने को सुधारना चाहते हो तो वो अलग बात है। ये जो तुम्हारा ठेका है ना भांग का, बेटा इसे बंद कर दो। माता जी, आपका कहा सर आंखों पर, आपने आदेश कर दिया, समझ लीजिए कि हम वो ठेका बंद कर देंगे, अपने सारे के सारे बुरे धंधे खत्म कर देंगे। आज के बाद हम सिर्फ लोगों की भलाई के लिए काम करेंगे और कुछ नहीं। शाबाश बेटा, शाबाश, खुश रहो। पापा, आई एम प्राउड ऑफ यू। एक सेकेंड, बहुत जल्दी में। वेलकम बैक। पागल हो? पागल तो आप हैं, सब कुछ छोड़कर जाने के लिए तैयार थी, रह लेती हमारे बिना। प्रॉमिस किया था क्या हमने? हमें तो समझ में ही नहीं आ रहा था हम कहां जाते, कैसे रहते।
आज लगा था कि सच में तुम्हें खो दिया। हमें भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था, डर सा लग रहा था। बार बार सोच रही थी कि ऐसा ना हो कि हमारा प्यार कम पड़ गया, लेकिन हम जानते हैं मन्नू कि हम तुम्हें कितना प्यार करते हैं। हमारा मन जानता है, हमारा दिल जानता है, हमारा भगवान जानता है, पर हमें समझ में ही नहीं आ रहा था कि हम इस नींद से उठ क्यों नहीं पा रहे, सब कुछ ठीक क्यों नहीं हो रहा। अब बुरा सपना खत्म हो गया, सब बुरी यादें भी खत्म, नए सिरे से शुरुआत करेंगे। ना तुम्हारा कोई अतीत, ना हमारा, सिर्फ हम, तुम और हमारा आने वाला कल। डैडी, अरे डैडी, हाँ ये बताओ वो इमरजेंसी कहाँ पर है? भैया तो पागल हो गए हैं, कुछ भी बड़बड़ा रहे हैं, कभी खुद को चप्पल से मार रहे हैं, कभी थप्पड़ से मार रहे हैं, फिर रोते हुए चले गए यहाँ से। अच्छा है, अच्छा है चला गया। आज के बाद उसे यहाँ पर वापस घुसने मत देना, समझ गए ना? जी जी जी। हाँ भैया, सारे अकाउंट्स देकर गए हैं आपके। अरे सुंदर, हाँ लेके आ भाई खाते पे। जी डैडी, ये सारे खाते और ये गले की चाबी, अब आप आ गए, संभालिए अपना सब कुछ। हाँ अच्छा है, अब ऐसा करो हॉकी लेकर आओ दो चार। जी जी। दिवाकर बाबू जी, दीपू ये हॉकी लो और यहाँ जो कुछ भी दिखाई दे रहा है सब तोड़ दो। डैडी पक्का समझे जी? अरे श्याम बाबू, हम आज तक कभी इतना पक्का नहीं हुए भाई, मानिए हमारी बात, आप तो बस देखते जाइए। अरे दो भाई हॉकी दो, अरे खड़े क्या हो, दो ना, तोड़ दो, सब तोड़ दो। अरे अरे अरे, अरे। पूरा एपिसोड देखने के लिए सोनी लिव ऐप डाउनलोड करें।